तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो ऐप होता है गुडलक ऐप, जो कि कस्टमाइज के लिए होता है, उसके अंदर एक नया अपडेट आया, नए अपडेट के क्या नए चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये अपडेट आपको जरूर करना चाहिए। क्या अपडेट में चेंजेस है सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो और साथ में मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लेना, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलेगा। चलते दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कमाल की अपडेट्स के बारे में गुडलक की। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर पे जाने के बाद आपको चले जाने वाले अपडेट वाले सेक्शन पे, और वहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा, जो कि गुडलॉक ऐप के अंदर। अब ये गुडलॉक ऐप क्या अपडेट आया है, यहाँ पर आप देखेंगे वर्जन नंबर 2.2.04.78, जिसमें वर्जन नंबर जिसका अपडेट साइज जो कि है 10 MB का, और उसको रोल आउट किया गया 3 नवंबर 2023 के दिन। अब इस अपडेट में मेन चीज क्या दी गई है, यहां पर लिखा गया है कि फिक्स ऐप क्लोजिंग विद द टॉस्ट योर अकाउंट हैज बीन चेंज। एक इसमें एरर आ रहा था, मैंने भी कुछ वीडियो बनाई जिसमें बताया भी था कि कुछ एरर आ रहा है ओपनिंग करते टाइम, जब भी आप गुडलॉक ऐप को ओपनिंग कर रहे हो तो कुछ उसमें एरर आ रहा है, तो उस बग्स को यहां पर फिक्स आउट किया गया है। और कुछ अदर कुछ बग्स आउट होंगे उसको भी यहां पर फिक्स आउट किया गया है। बार बार ऐप बंद हो रही थी वो भी यहाँ पर चेंज आउट किया गया है। तो उसकी ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है, बग फिक्सेस किए गए, कुछ इनहांस कुछ फीचर एड ऑन किए गए होंगे। आप अपडेट करने का जब भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा इतने शानदार तरीके से लेआउट पूरा मिल रहा है, मेकअप और लाइप अप। और यहाँ पर थ्री डॉट्स पर जाएंगे तो जो भी अपडेट्स अवेलेबल होंगे आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली वन शॉट में यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि पिछली बार भी आ गया था और अभी भी ये आ चुका है, तो वो यहाँ पर आपको दिया गया, आप देख सकते हैं। तो यही नया अपडेट था गुडलक ऐप की तरफ से। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि गुडलॉक में एक बार फिर से मैं आपको पूरे मॉड्यूल एक ही वीडियो में बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं पूरा एक ही वीडियो में पूरा गुडलक ऐप को कवर कर दूंगा। कुछ दोस्तों कुछ ऐप्स ऐसी होंगी जो कि मेरे मोबाइल में यहाँ पर नहीं दिख रही हैं, कुछ आपके मोबाइल में दिख रही होंगी, बिकॉज वो ऐप्स मेरे मोबाइल में सपोर्ट नहीं करती। और कुछ ऐप्स ऐसी होंगी जो मेरे मोबाइल में आपको दिख रही होंगी बट आपके मोबाइल पर सपोर्ट नहीं करती है। कुछ ऐसा भी है गुडलक के अंदर, जैसे एक ऐप है कैमरे के लिए जो कि सिर्फ प्रीमियम हैंडसेट्स पर चलती है, मे बी S22, S23 और S21, बट मेरे मोबाइल पर वो नहीं दिखती। और भी दो चार ऐसी ऐप्स हैं जो मेरे मोबाइल पे नहीं दिखती हैं बट वो होती है, और हो सकता है कि मेरे पास जो ऐप दिख रही है आपके पास भी नहीं दिख रही हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वो मोबाइल के हैंडसेट पे डिपेंड करता है, वो आपके पास दिखेंगी जब जब आपके मोबाइल पे वो सपोर्ट करेंगी। अब इसकी बात करें परफॉर्मेंस की, इसमें क्या क्या है, देखिए सबसे पहले आपको एक ऐप मिलता है थीम पार्क ऐप, जिसके अंदर आप अपनी थीम को डिज़ाइन कर सकते हैं। थीम मतलब पूरे अपने मोबाइल का लेआउट को यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, कीबोर्ड की थीम डिज़ाइन कर सकते हैं, क्यूब पैनल की थीम डिज़ाइन कर सकते हैं, आइकन डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड देन वॉल्यूम पैनल भी आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये इसके लिए मैंने पूरी सेपरेट वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद करें यहाँ पर मिलता है वंडरलैंड ऐप बहुत ही शानदार है। अगर अपने मोबाइल में अगर वॉलपेपर लगाते हैं तो वंडरलैंड ऐप बहुत ही शानदार तरीके से वर्क करता है, तो वो बहुत शानदार है पूरे वॉलपेपर को कस्टमाइज करने के लिए, उसमें इफेक्ट्स डालने के लिए, तो ये वंडरलैंड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है लॉक स्टार। अब इसके नाम से ही आप समझते हैं, लॉक स्टार मतलब कि लॉक एप्लीकेशन पे काम करने है, लॉक एप्लीकेशन में जो भी एडिटिंग करना है आप इसके अंदर यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं, या जो भी कुछ भी चेंजेस करना है आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद मिलता है आपको की कैफ़े। अब की कैफ़े के नाम से ही समझ सकते हैं कि कीबोर्ड से रिलेटेड है, इसके अंदर सारे कीबोर्ड से आप रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं, जैसे मेक योर ऑन कीबोर्ड, यहाँ पर आप अपना कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कौन सा कीबोर्ड चाहिए, मैथमेटिक साइंटिफिक मैथ कीबोर्ड केमिस्ट्री कीबोर्ड सब यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। लैंग्वेजेस स्टाइल और योर ऑन कीबोर्ड, अपने कीबोर्ड की यहाँ पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। माय स्टिकर्स में जाएंगे, अपना स्टिकर डिज़ाइन कर सकते हैं, और प्ले कीबोर्ड गेम या पूरा कीबोर्ड से रिलेटेड सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएगी, इसके लिए भी सेपरेट आपको वीडियो मिल जाएगी। नीचे आएंगे नेव स्टार मतलब नेविगेशन स्टार, तो यहाँ पर आप अपने नेविगेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं कि कैसे कस्टमाइजेशन हो, बटन्स में हो, स्वाइप में हो, तो कैसे आप उसमें चेंजेस करो, तो ये आपको मिल जाएगा। उसके नीचे आएंगे यहाँ पर होम अप मतलब कि होम स्क्रीन, पूरा होम स्क्रीन कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पर काम आता है। होम स्क्रीन कैसी हो, फोल्डर कैसे हो, बैकअप एंड रिस्टोर, शेयर पैनल, टास्क मैनेजर, जैसे कि आप देखेंगे ये मैंने कस्टमाइज़ कर रखा है, तो ये पूरा होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन के अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद बाहर आएंगे क्लॉक फेस, तो यहाँ पर अपना क्लॉक फेस डिज़ाइन कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए और
लॉक स्क्रीन डिस्प्ले की, पूरा आप जो भी यहाँ पर क्लॉक फेस डिज़ाइन करेंगे वो वहाँ पर आप एड ऑन कर पाएंगे। तो ये चीज़ भी यहाँ पर मैच दी गई है। और अगर आप सैमसंग की वॉच चलाते हैं तो आप सैमसंग की वॉच के लिए भी यहाँ पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे नीचे क्यूक स्टार। क्यूक स्टार मतलब ये जो नेविगेशन होता है ना, क्यूक स्टार पैनल, तो ये होता है क्यूक स्टार। तो इससे रिलेटेड जो भी काम करने हो या जो भी चेंजेस करना हो सब आपको यहाँ पर क्यूक स्टार के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे लाइफ ऑफ में, तो सबसे पहले मिलता है नाइट शॉट। नाइट शॉट मतलब स्क्रीन शॉट से रिलेटेड और स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड जो भी टास्क होंगे आप यहाँ पर इसके अंदर मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन स्टार, जो भी नोटिफिकेशन आएगी उससे रिलेटेड जो भी कस्टमाइजेशन करना है सब यहाँ पर आप कर सकते हैं। नाइट स्केच जो कि बहुत शानदार ऐप है, यहाँ पर आप सब एप्लीकेशन के जितनी बार चेंजेस होंगे या क्या क्या आपने चेंजेस करा, क्या क्या आप चाहते हैं सब यहाँ पर आप दिख जाएगा। जैसे वाइब्रेशन हिस्ट्री, कितनी बार वाइब्रेशन हुआ, किस किस ऐप के थ्रू हुआ वो मिल जाएगा, कितनी बार रिंग मोड चेंज हुई, कितनी बार आपने यहाँ पर कॉल मोड हिस्ट्री चेक करी, सारी डिटेल आपको यहाँ पर एक एक करके मिल जाएगी। उसके बाद सबसे कमाल का ऐप वन हैंड ऑपरेशन, यहाँ पर आप स्वाइप फीचर ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर ऐड ऑन करा हुआ, मैं ऊपर स्वाइप करूँगा स्क्रीन शॉट्स क्लिक हो जाएगा, यहाँ नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो डबल यहाँ पर आ जाएगी, स्प्लिट स्क्रीन खुल जाएगी। ऐसे ही ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो पॉपअप चले जाएगा, सॉरी ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो स्क्रीन शॉट क्लिक हो जाएगा, बैक यहाँ सीधा करूँगा तो बैक हो जाएगा, और ऐसे ही अगर मैं यहाँ नीचे की तरफ करूँगा तो ये यहाँ पर ये खुल जाएगा क्योंकि पैनल, ऊपर की तरफ करूँगा तो नोटिफिकेशन खुल जाएगी, और यहाँ से यूँ करूँगा तो बैक हो जाएगा। तो इससे सबसे रिलेटेड आप वन हैंड ऑपरेशन पे ऐड ऑन कर सकते हैं। रूटीन प्लस में जो भी कुछ रूटीन्स ऐड ऑन करना चाहें आप यहाँ पर ऐड ऑन कर पाएंगे। इन सारी ऐप्स की सेपरेट सेपरेट वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं और अच्छे से कस्टमाइजेशन वहाँ पर आपको दिखाया। मल्टी स्टार मतलब मल्टी स्क्रीन, जैसे स्प्लिट स्क्रीन, पॉपअप व्यू, जो भी यहाँ पर सेटिंग करना था आप यहाँ पर कर पाएंगे। उसके बाद रेगी स्टार जो कि बहुत ही कमाल की ऐप जो कि नई लॉन्च की गई है अभी। रेगी स्टार में आप अपने साइड की बटन को ऐड ऑन कर सकते हैं, बैक टैप गैजर ऐड ऑन कर सकते हैं तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद साउंड असिस्टेंट, साउंड से रिलेटेड जो भी सेटिंग करना है सब आप यहाँ पर आप कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिलहाल इसमें गुडलक की ऐप में जो भी कुछ बग्स थे यहाँ पर फिक्स आउट किए गए, जैसे कि मेरे पास बग्स आ रहे थे, ओपन करते टाइम बार बार क्रैश हो रही थी, अब वो नहीं होगी। अगर आपके पास भी ऐसा आ रहा है तो अपडेट कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो थैंक यू। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके भी पूछ सकते हो। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, और साथ में व्हाट्सएप पे भी मुझे फॉलो कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।